Now next one, इस session में जस्ट मैं cover करूँगा complete process about strings in Java. Previous session के comparison में बात करना है, string is a most valuable topics regarding interview process. Interview process के according बात की जाए, interview में string से related कई सारे questions पूछे जाते हैं आपसे. इस सारे के सारे क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मैं इसे किस टाइप के क्वेश्चन स्ट्रिंग्स रिलेटेड दे जाऊंगी. सबसे पहले मैं कंप्लीट करूंगा प्रोसेस अबाउट स्ट्रिंग्स और जावा में स्ट्रिंग्स को इंप्लीमेंट करने के टोटल अप्रोच कितने हैं. देन मैं कवर करूंगा फाइनली स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, मीन्स ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. देन पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश करने के बाद फाइनली डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन जावा. जनरली स्ट्रिंग्स की बात करें, जस्ट स्ट्रिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, वेयर स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर्स आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स. इन दोनों म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टी मेन डिफरेंस क्या है, डेप्थ में डिस्कस करूंगा. फाइनली डिस्कस करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर. जनरली अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के आपके पास टोटल टू अप्रोच अवेलेबल बाय यूजिंग इक्वल्स मेथड और इक्वल इक्वल ऑपरेटर. दोनों ही प्रोसेस में मेन डिफरेंस क्या हुआ, डेप्थ में डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जांपल्स. देन इसके जस्ट बाद डिस्कस करूंगा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशंस यूजिंग प्लस ऑपरेटर. देन स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर्स, स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर्स के रिगार्डिंग बात करें, स्ट्रिंग ने आपको कई सारे कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड किए. इन कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पज क्या है, जस्ट नेविगेशन पर्पज और कन्वर्जन पर्पज. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपके पास कोई कैरेक्टर एरे अवेलेबल हो, गिवन कैरेक्टर एरे को अगर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है, देन कंस्ट्रक्टर्स के हेल्प से कन्वर्ट करना पॉसिबल है, सेम एज इन केस ऑफ बाइट एरे. नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा फाइनली वेरियस मेथड रिलेटेड टू स्ट्रिंग क्लास, में स्ट्रिंग ने स्ट्रिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कई सारे प्रीडिफाइंड मेथड प्रोवाइड किए हैं. प्रीडिफाइंड मेथड का वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल, स्ट्रिंग को अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करना है. देन फाइनली स्ट्रिंग अगर लेंथ फाइंड आउट करना से रिलेटेड कई सारे वेरियस मेथड्स अवेलेबल हैं. देन डिस्कस करूंगा फाइनली कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. मीन्स मोस्टली आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, काफी डेप्थ में डिस्कस करूंगा. देन फाइनली मीन्स जावा ने आपके लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए, जस्ट कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यूज, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड. सर स्ट्रिंग क्लास के रिस्पेक्ट में बात करें, स्ट्रिंग क्लास ने इक्वल्स और हैश कोड मेथड को ओवरराइड किया, जबकि अगर स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर के रिस्पेक्ट में बात करें, इन दोनों ही क्लासेस ने ना ही इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया है, ना ही हैश कोड मेथड को ओवरराइड किया. इसका रीजन फाइंड आउट करें वाई स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इज नॉट ओवरराइडिंग इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, whereas string class does it or did it. Clear? Next one finally discuss करूँगा interview related process or interview related questions based on string, string buffer and string builder class. Finally next session में one by one मैं सारे के सारे topics cover करूँगा.